Everyone, in today's video we are going to study about flash distillation. Flash distillation, जैसा कि आपको पता है, जितने भी pharmaceutical engineering subject को study करने वाले students हैं, उनकी एक unit है जिसमें उनको distillation के बारे में पढ़ना है. So distillation different different type के होते हैं. आज हम लोग बात करने वाले हैं flash distillation के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. First of all, flash distillation क्या है? देखिए, फ्लैश डिस्टिलेशन बेसिकली आपका एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ऑब्वियसली बात है. यानी कि इसकी मदद से आप क्या करेंगे, इसकी मदद से आप अपने मिक्सर में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, राइट. मान लीजिए आपके पास एक मिक्सर है लिक्विड्स का, जिसमें आपके पास मान लीजिए दो या तीन लिक्विड्स हैं. अब आप क्या करते हैं, अब आप उन लिक्विड्स को अगर एक हाई प्रेशर जोन से एक लो प्रेशर जोन में पास करते हैं, तो अचानक से क्या होता है, पूरा का पूरा जो लिक्विड मिक्सर होता है वो आपका वेपोराइज हो जाता है. जब इंटायर मिक्सचर गेट्स वेपोराइज्ड, तो आपको क्या दिखेगा, आपको वेपर्स दिखाई देंगे. अब उनमें से कुछ वेपर्स होंगी जो आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली होंगी, और कुछ वेपर्स होंगी जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाली होंगी. जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली वेपर्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो कंडेंस्ड हो जाती हैं, वो जल्दी कूल हो जाती हैं, ठीक है. अब आप क्या कर सकते हैं, उनको आप सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हैं. उनके लिए आप एक सेपरेट कलेक्शन प्रोविजन देंगे, जहां से आप उसे अलग कर लेंगे. अब वही जो दूसरी वेपर्स हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, लो था, अब उनको टाइम लगेगा आपका दोबारा से कंडेंस्ड होने में. तो जब वो दोबारा से टाइम उन्हें लगेगा कंडेंस्ड होने में, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली एक दूसरे कलेक्टर में उसे कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन. चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, कैसे आप फ्लैश डिस्टिलेशन की असेंबली सेट करेंगे. आप सबसे पहले एक फीड लेंगे, यहाँ पर आप अपने जो भी आपका सैंपल है, जो भी आपका लिक्विड मिक्सचर है, आप उसको इसमें डालेंगे और इसको आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे पंप से. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने पंप लगा रखा है. तो इस पंप की मदद से दिस फीड विल गेट इंट्रोड्यूस इनटू दिस चैम्बर. ये हीटिंग चैम्बर है जिसमें आपने यहाँ पे हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है, ताकि जो भी फीड यहाँ से एंटर ले अंदर, वो क्या हो जाए, हीटेड हो जाए. जब आपका मटीरियल हीट होगा, तो आपने इस चैम्बर के इस वाले आउटलेट से डायरेक्टली इसको इंट्रोड्यूस करा रखा है इसके अंदर. इसे कहते हैं आप लिक्विड वेपर सेपरेटर. यहां पर आकर लिक्विड और वेपर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. तो हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर की मदद से हम हमारे मटेरियल को, हमारे लिक्विड मिक्सचर को इस हीटर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. तो हीटिंग मैकेनिज्म क्या करेगा, आपके सैंपल को हीट करेगा. आपका हीटेड मटेरियल फिर डायरेक्टली आपका कहां एंटर होगा, लिक्विड वेपर सेपरेटर में. जब आपका मटेरियल इस चैम्बर से यहाँ से यहाँ एंटर होता है, तो बीच में हमने क्या लगा रखा है, प्रेशर लोअरिंग वॉल्व. यानी कि इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रेशर को रिड्यूस कर देना. तो यानी कि यहाँ पर जो आपका फीड था, उसका प्रेशर क्या था, उसका प्रेशर हाई था, वो एक सर्टेन प्रेशर पर था. जब आपने उसको इस वाले चैम्बर से इस वाले चैम्बर में इंट्रोड्यूस कराया, तो आपने एक वॉल्व के थ्रू उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है. तो यहाँ आते ही उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. अब लो प्रेशर पे क्या होगा, आपका इस सेपरेटर के अंदर वो वाली वेपर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई था, वो आपका क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है. जब वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, यानी कि वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो यहां से आप लिक्विड का आउटलेट देंगे, एंड यू विल कलेक्ट द दैट फ्रैक्शन ऑफ द वेपर. अब जो आपकी वेपर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो था, वो यहाँ रह जाएंगी, इस अपर जोन में रहेंगी. तो आप क्या करेंगे, यहां से आप एक प्रोविजन देंगे, यहां से आप वेपर्स को बाहर की तरफ एंट्री दिलवाएंगे. वो वहां से कहां जाएगा, वो जाएगा आपका कंडेंसर में. कंडेंसर फिर उन वेपर्स को कूल करेगा, एंड देन यू विल कलेक्ट दैट वेपर फेस व्हिच इज हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट. ऑलराइट, अब क्या होता है, ये इस लिक्विड, यहां पर आपके पास क्या आया है, आपके पास एक फ्लैश आया है, ठीक है ना. इस फ्लैश में आपके पास दो तरीके की वेपर्स हैं, एक वेपर्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, एक वेपर्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है. अब इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन होने के लिए दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है. जब इक्विलिब्रियम ये दोनों अचीव कर लेंगी, तो इक्विलिब्रियम पर आते ही जो हाई वेपर प्रेशर, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली वेपर्स होंगी, वो कंडेंस करना स्टार्ट कर देंगी, एंड दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ योर दिस सेपरेटर. यहां से आप उसे कलेक्ट कर लेंगे. अब जैसे कि हमने देखा कि इसमें दोनों वेपर्स के बीच में, लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव होना जरूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक ही कंटेनर के अंदर इस वेपर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सो दैट आपकी दोनों वेपर्स के बीच में क्या हो, एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट हो. जब उनके बीच में आपस में एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करेंगी, और
इक्विलिब्रियम अचीव करते ही हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली लिक्विड्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली वेपर्स जो है वो लिक्विफाई हो जाएंगी और लो बॉइलिंग पॉइंट वाली ऊपर ही रहेंगी इन वेपर फेज। इन वेपर फेज को आप यहाँ से आउटलेट देके एक कलेक्टर में कलेक्ट कर लेंगे, वहां पर कंडेंसर लगा रहेगा जो उसे कूल कर देगा। ठीक है, ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन था। अब वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले क्या किया हमने, जैसा भी हमने देखा, सबसे पहले हमने हमारे फीड को हीट किया, हीट करने के बाद हमने उसको हमारे हमने फीड को जो हमने हीट कर लिया था उसको हमने पंप के द्वारा स्टील के अंदर इंट्रोड्यूस कराया एक सर्टेन प्रेशर पर। उसके बाद आपका जो फीड है वो आपका एंटर करा लिक्विड वेपर फेज सेपरेटर में, जहां पर प्रेशर हमने घटा रखा था विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। अब चूंकि प्रेशर में अचानक से क्या आया है, ड्रॉप आया है, तो पूरा का पूरा लिक्विड मिक्सचर क्या हो जाता है आपका, इट गेट्स वेपोराइजेस, इसी को हम फ्लैश भी कहते हैं, इसीलिए इस डिस्टिलेशन का नाम हमने फ्लैश डिस्टिलेशन रखा हुआ है। अब इंडिविजुअल वेपर फेज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट वो कंडेंस्ड हो जाएगी और उसको आप कलेक्ट कर लेंगे सेपरेटली, और जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाली वेपर्स हैं वो आपका एज अ वेपर ही रहेंगी, उन्हें टाइम लगेगा कंडेंस्ड होने में, तो आप लिक्विड को तब तक कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और वेपर को आप सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन। अब बात कर लेते हैं इसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो बच्चों, फ्लैश डिस्टिलेशन को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स विच बॉइल्स एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी कि आप इनको वहां यूज करेंगे जहां पर आपके पास लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट कॉम्पोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, वाइड डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स का। अगर आपका अच्छा खासा डिफरेंस है, मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 200 डिग्री सेल्सियस, एक का है 1500 डिग्री सेल्सियस, सो दिस शोज वाइड डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके के कॉम्पोनेंट्स को अगर आपने सेपरेट करना है तो आप फ्लैश डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो पहला एडवांटेज तो इसका यही है बच्चों कि ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आप कंटीन्यूअसली स्टिल में फीड इंट्रोड्यूस करते रहेंगे और आपका वेपर्स बनेंगी अचानक से, और वेपर्स जो है फिर अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लिक्विफाई होने लगेंगे एंड दे विल टेक देयर टाइम। इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि ये आपका मल्टी कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए यूज हो सकती है, यानी कि मल्टी कॉम्पोनेंट सिस्टम का मतलब जैसे अगर आप ऑयल रिफाइनरी में देखें तो वहां पे क्या करते हैं, पेट्रोलियम से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। जैसे आपके पास एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाला आपने, एक आपने निकाला केरोसिन, ठीक है, एक आपने निकाला डीजल, एक आपने निकाला पेट्रोल, ठीक है, एक आपने निकाला वैक्स। सो ये सब क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ आपने निकाले ऑयल्स, तो ये क्या है, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। ये सब कहाँ से मिलते हैं आपको, ये आपको सब एक ही चीज से मिलते हैं, एक ही रॉ मटेरियल से मिलते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो फ्लैश डिस्टिलेशन के थ्रू आपका अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करती हैं। बात कर लेते हैं इस मेथड के डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप इसको उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते जिनकी वोलेटिलिटी काफी क्लोज है। इफ दे हैव सिमिलर वोलेटिलिटी, मतलब दे विल वोलेटाइल और दे विल गेट इनटू वेपर फेज एट इवन सेम टेम्परेचर, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर, तो वहाँ ये सुटेबल नहीं है। दूसरा, ये टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए भी सुटेबल नहीं है, ये मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए सुटेबल है। तीसरा, अगर आपको नियरली प्योर कंपोनेंट चाहिए तो नियरली प्योर कंपोनेंट आपको फ्लैश डिस्टिलेशन से नहीं ऑब्टेन हो सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लैश डिस्टिलेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि फ्लैश डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है, इसको कैसे इसकी असेंबली सेट की जाती है, कैसे इसकी वर्किंग होती है और कैसे आपका अल्टीमेटली इसके यूज किए जाते हैं। तो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प्ड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।